भारत मदद का अभियान के तहत युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव इंजीनियर रमेश शेख द्वारा जरूरतमंदों को व्हील साइकिल प्रदान की गई। इस मौके पर अन्य संगठनों के पदाधिकारी एवं युवक कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्य विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार के मार्गदर्शन में युवक कांग्रेस प्रदेश महासचिव शिवानीताई वडेट्टीवार के सहकार से ताजुद्दीन बाबा के उर्स के मौके पर युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव इंजीनियर रवि शेख द्वारा रमन नगर वार्ड के जरूरतमंद को व्हील साइकिल देने का उपक्रम किया गया। रमजान नाना नामक ज्येष्ठ व्यक्ति तौफीक शाह बाबा दरगाह की देख रेख कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। शारीरिक दुर्बलता के कारण नियमित कार्य करने में परेशानी को ध्यान में रखते हुए रहमत नगर के नागरिकों द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश युवक कांग्रेस द्वारा एक हाथ मदद का अभियान के अंतर्गत व्हील साइकिल देकर जरूरतमंद के लिए मदद का हाथ बढ़ाया गया। इस समय युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव माने जंगम शिव ब्रिगेड संगठन के सतीश मालेकर अमित भाई के साथ बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता तथा मुस्लिम बांधव मौजूद थे। तो सुनिए इस मौके पर युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव इंजीनियर रमेश शेख ने क्या कहा। जय हिंद साथियों, आज हमारे विदर्भ के श्रद्धात्मक बाबा ताजुद्दीन औलिया इनके 101वें उर्स के मौके पर आज इधर तौफीक शाह बाबा दरगाह पे जो हमारे रमज़ान नाना हैं जो इस दरगाह की देखरेख करते हैं आज उनकी उम्र का तकाजा ध्यान में रखते हुए कुछ माजूरियत को ध्यान में रखते हुए जहां उनसे चलने की तकलीफ हो रही थी ऐसे वक्त पर प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से हमारे आदरणीय विरोधी पक्ष नेता माननीय नामदार विजय वडेट्टीवार जी के मार्गदर्शन में और हमारी बहन कुमारी शिवानीताई वडेट्टीवार जी के सहकार्य से आज हमने एक हाथ मदद का अभियान के अंतर्गत एक छोटी सी कोशिश की है, एक मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। हमारे रमजान नाना को आज प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से हमने ये व्हील साइकिल भेंट दी है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय इस उपक्रम को ध्यान में रख के यह उपक्रम एक भाईचारे का अखंडता का एकता का संदेश देता है। और इसके साथ ही हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जहां कहीं आपके अतराफ में आजू बाजू में ऐसे ज़रूरतमंद लोग दिखे एक हाथ मदद का अभियान के अंतर्गत उनकी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव गारकर की रिपोर्ट।